अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि चाइना बॉक्स के जो भी रिसीवर मार्केट में आए हुए हैं, आजकल जीएक्स के बोर्ड ही आ रहे हैं 203 वाले, तो उनकी आप सेटिंग खराब होने से या चैनल डिलीट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी सेटिंग की तरफ। तो आप सबसे पहले आपने मेन्यू का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने लॉक कंट्रोल पर चले जाना है। तो यहाँ देखें, ये मेन्यू इसका ऑफ है, आपने इसका ऑन कर देना है। चैनल लॉक भी आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपने प्रेस ओके। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड लगाना है, तो मेरे पास ये 40 का कोड है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का जो भी कोड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं इस पर 9999 का लगा रहा हूँ। तो उसके बाद ये कन्फर्म पासवर्ड का आपको कह रहा है, तो आपने वही पासवर्ड इसमें दोबारा ऐड करना है। ये देखें, ये सेव का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपने एग्ज़िट का बटन प्रेस करना है और फिर एग्ज़िट, फिर यस। यहाँ पर कैंसिल नहीं करना, ये आपकी सेटिंग सेव नहीं करेगा, आपने ओके करना है। ये हमारी सेटिंग इस पर ओके हो गई है। ये देखें, ये मैं जैसे ही इस पर मेन्यू पर क्लिक करूंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। ये देखें, ये पहले 40 का था, ये देखें ये 40 पर ओपन नहीं हो रहा। तो मैं इस पर न्यू पासवर्ड ओके करता हूं, तो ये फौरन ही ओपन हो जाएगा। इससे पहले ये ऐसे ही ओके करने से ये शो हो जाते थे, जिसकी वजह से सेटिंग ख़राब हो जाती थी, चैनल डिलीट हो जाते थे। ये देखें, ये मैंने ये यहाँ पर ये नीचे डिलीट ऑल चैनल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी ये पासवर्ड ही मांग रहा है। अगर ये पासवर्ड नहीं होता तो आपके सारे चैनल और सारी सेटिंग ख़राब हो जानी थी, जो आपने फेवरेट लिस्ट में बनाई हुई थी। तो इस तरह आप अपना रिसीवर का पासवर्ड चेंज करके अपनी सेटिंग महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी इंटर।